मैंने आज सुबह सुबह उठकर तुम्हारे सेफ होने की खुशी में ये ब्रेकफास्ट बनाया। थैंक्स एवा, तुम वाकई बहुत ख्याल रखती हो। कोई बात नहीं, खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकी। खासकर कल से मैं तुम्हारे लिए थोड़ी परेशान थी क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। वैसे अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। आखिर तुम मेरी BFF हो, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था। हाँ, ये मेरी ही गलती है। मैं जोश में आगे बढ़ गई, मुझे लगा मैं संभाल लूंगी। रॉरी के साथ? नहीं, वो अचानक वहाँ पहुँच गया। ठीक है, तुम ही सही हो। आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा ना कोशिश करूंगी। अरे ऐसे मत देखो, मुझे बस इतना ही चाहिए बेस्ट फ्रेंड। कैसी हो लैला? अच्छी हूँ। तुम मुझे सब कुछ बताओ, कल क्या हुआ था, हर एक चीज बताना। हाँ, पर तुम मेन बातें तो जानती हो, बस एक बात नहीं जानती। रॉरी और मैंने अजीब बातें करने वाले पेड़ देखे। मुझे पता था पेड़ बातें करते हैं, पर मुझे कभी जवाब नहीं मिला। और उन पेड़ों ने मुझे कहा पानी के नीचे कोई विजन मेरा इंतजार कर रहा है। पता नहीं उसका मतलब क्या था। तुमने बोलने वाले पेड़ कहा क्या? उनका नाम है विस्परिंग विलोज। हाँ, वो कुछ विलो जैसे ही थे और वो फुसफुसा भी रहे थे। ये विस्परिंग विलोज बहुत पुराने पेड़ हैं जिनकी जड़ें पूरे आइलैंड में हर तरफ फैली हुई हैं। तो उन्हें यहाँ होने वाली हर चीज पता है और वो कभी नहीं भूलते। ये तो डराने वाली बात है और साथ में काफी कूल भी। उन्हें जरूर तुम्हें कुछ जरूरी कहना होगा सोफिया। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, पानी के अंदर एक विजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे तो कल पानी में केवल ग्रिम मैजिक ही दिखा। क्या पता कोई और पानी की बात कर रहे हो। इस आइलैंड पर कई तरह के जादुई रहस्य छुपे हैं, मुझे पता करना पड़ेगा। अगर मुझे तुम्हारे पसीने वाले गंदे बॉक्सिंग ग्लव्स कॉमन एरिया में दोबारा दिखे तो। मैंने उन्हें सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए एक्सरसाइज करने कहा था वेलेंटीना। चिल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे फेट फेरीज के एवोल्यूशन की कुछ थियोरीज की। रोरी, फिर से लेट। देखकर खुशी हुई कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारी रूटीन में कोई बदलाव नहीं है। थैंक यू मिस फ्यूरी, पर आज मेरे पास इसकी वजह है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी वजह नहीं थी। तो आज हमारी स्टागलो लेक को, यूनिकॉर्न आइलैंड को, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की खुशी में मुझे लगा कि हमें एक पार्टी करनी चाहिए। मिस फ्यूरी, आप आएंगी ना? मुझे पता है आपके अंदर भी कहीं एक पार्टी करने वाला जानवर जरूर छुपा है, यानी आप एंजॉय कर सकती हैं। मुझे रहने ही दो। तुम लोग ये बिल्कुल मत भूलना कि ग्रिम मैजिक का खतरा भी टला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो फेट फेयर। सुनो, तुम पार्टी में थोड़ा जल्दी आ सकती हो? तुम्हें हमारी मदद चाहिए ना? बोलो। वाह, क्या कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की। तुम्हारा तो दिमाग भी एक साथ चलता है। और तुम दोनों कितनी प्यारी हो जो मेरी मदद के लिए झट से तैयार हो गई। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर मैं डेकोरेशन में अच्छी नहीं हूँ। वो तो मुझ पर छोड़ दो। तो ठीक है, और सोफिया स्नैक्स संभाल सकती है। और बड़े शर्म की बात होगी अगर तुम्हें अपनी ही पार्टी में डिटेंशन मिल जाए। ओके, फेरीज, तो आज हम फेरीज के बारे में सीख रहे हैं। लगता है हम कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए, या फिर रॉरी लेट हो गया। वो तो लेट है ही। और यहाँ बैठे बैठे मैंने रिसर्च की जो विस्परिंग विलोज ने सोफिया को कहा। शायद वो विजन पूल की बात कर रहे थे। ये एक जादुई तालाब है जो लोगों को उनके सवालों का जवाब एक विजन दिखाकर देता है। इसमें लिखा है कि ये सिर्फ एक विजन दिखाता है और वो भी पानी के नीचे जाकर। पानी के नीचे जाकर? जरूर यही मतलब होगा विस्परिंग विलोज का। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक मैसेज है। तो क्या हो सकता है कि ये विजन मेरे डैड के बारे में हो? मुमकिन है। तुम तो कमाल हो लैला, मैं जाकर देखती हूँ। कहाँ है ये विजन पूल? इसमें तो लगता है कि वो गुप्त जंगल में चमकते पत्थर की दीवार के पार है। इसका मतलब उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं क्योंकि वहां जाना तो मना है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो खुद उसे देखना चाहूंगी। इसके मुताबिक गुफा में कई तरह के जादुई पत्थर और रत्न मौजूद हैं। उनके बारे में जानने में कितना मजा आएगा। लेकिन वहां जाना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, हम वहां जाकर पार्टी के टाइम तक वापस आ जाएंगे। पर यहां हर तरफ टीचर्स ग्रिम मैजिक को ढूंढने के लिए चक्कर काट रहे हैं। और पिछली बार जब तुमने चमकते पत्थर की दीवार पार की थी तो तुम्हें निकाल दिया गया था। एवा, ये आइलैंड मुझे मेरे डैड के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, मुझे पता तो लगाना ही होगा। जानती हूँ, लेकिन इस वक्त सभी लोग बहुत चौकन्ने हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम विजन पूल एक साथ जाएंगे। प्रॉमिस। ठीक है, रुक जाती हूँ।
दो डेकोरेशन टीम मैं आ गया और मैं साथ में सब कुछ ले आया हूँ, तो शायद अब हमारी थीम होगी जो भी है सब लगाओ। समझ गई। गुड आइडिया, हमें इन पर कुछ लैंप्स भी टांगने चाहिए और साथ में पार्टी के लिए कुछ तो थीम सोचते हैं। वैसे तो मुझे फूल पसंद है पर ग्लिटर भी अच्छा है। या पानी के नीचे की थीम या फिर पानी के पौधे लगाए क्या? हाँ, ड्रिंक्स के लिए बर्फ की जरूरत होगी। वाइल्ड स्टार और मैं लेके आते हैं। पर हमारे पास यहाँ यूनिकॉर्न है जो बर्फ बना सकता है। क्या हुआ? मैंने कहा मैं रुकूंगी तो मैं रुकी ना, पूरा एक मिनट रुकी थी। जानती हूँ इस तरह छुप कर निकलना दोस्ती में अच्छा नहीं होता, पर अगर मैं ईवा को बता देती तो वो भी साथ आ जाती। और वो सही है, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, पर मैं ये करके रहूँगी। पहले डैड के सपने आना और अब पेड़ों का बोलना। जरूर कोई गड़बड़ है वाइल्ड स्टार, और शायद इस विजन पूल में ही मेरे सवालों के जवाब हो। हाँ बिल्कुल, तो इस मिशन पर सिर्फ तुम और मैं ही होंगे। यहाँ की यादें अच्छी नहीं है, पर हमें करना ही होगा। चाहिए सोफिया। हाँ, वो अब तक लौटी ही नहीं, मेरा डेकोरेशन भी पूरा हो गया। हाँ वही तो, बर्फ लाने में कितनी देर लगती है। इजाबेल, क्या तुमने या रिवर ने सोफिया को देखा है? हाँ, वो वाइल्ड स्टार के साथ कैंपस से बाहर गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे बिना ही विजन पूल पर चली गई हो? फिर चलो जल्दी उनके पीछे चलो। कोई पंच टेस्ट करना चाहेगा? ये मेरी बहुत ही खास फैमिली रेसिपी है जो कि मैंने अभी अभी खुद बनाई है। इजाबेल, क्या तुम मेरा ये? किसी भी हालत में नहीं दोस्त। ग्रेट, ये जगह सिर्फ पहुंचने में मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक भी है। हम कर लेंगे, है ना? वाइल्ड स्टार, मैं देख कर आती हूँ। Thank you.
क्या आप सच में हैं? सोफिया, मेरा चमकता तारा। ये सब क्या है? तुमसे बात करनी है सोफिया, वक्त बहुत कम है, खतरा दरवाजे पर है। डैड प्लीज, आपसे कितने टाइम से बात नहीं हुई है। मैं सोफिया, ये बहुत जरूरी है, सुनो। नहीं, आपसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। सोफिया, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें बच के रहना होगा। बचा रही थी, मुझे लगा तुम डूब रही हो। मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने डैड के साथ थी, वो वहाँ अंदर थे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? यानी एक और सपना था? नहीं, वो मेरे डैड थे। पर सोफिया, तुम्हारे डैड जा चुके हैं। नहीं, मुझे पता है वो वही थे, जिंदा थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। पर कैसे? पता नहीं कैसे एवा। अब नहीं जान पाऊंगी। इस विजन पूल में हर किसी को सिर्फ एक विजन मिल पाता है और वो तुमने बर्बाद कर दिया। I'm sorry, तुम पानी के अंदर थी और मुझे ऐसा लगा कि तुम, काश कि तुमने मुझे पहले बता दिया होता और इस तरह चुपचाप नहीं आती। नहीं बताया क्योंकि जानती थी तुम मुझे रोकोगी। नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ आती। हमने एक साथ खतरे का सामना करने का वादा किया था। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी जानती। ये बात तुम्हारी नहीं है, एक असली बेस्ट फ्रेंड को ये बात समझ आती। तुम्हें भी मजा नहीं आ रहा है क्या लैला? बिल्कुल आ रहा है, बल्कि इस पूरे हफ्ते में आज सबसे ज्यादा। अगर स्पीड बनाए रखो तो इस किताब का 1/3 हिस्सा मुझे याद हो जाएगा और असली मजा तो उसके बाद आएगा। चलो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। मैं तो भूल ही गई थी। ओह माय गॉश, ये तो असल में और भी अच्छा है। वैसे मुझे तुम्हें ये तो कहना चाहिए कि छुपकर विजन पूल जाना खतरनाक और बेवकूफी थी, पर अब तो देर हो चुकी है तो मैं सिर्फ इसे एंजॉय करूंगी। थैंक यू सोफिया। कोई बात नहीं, वो जिससे चाहे उससे दोस्ती कर सकती है। मैं दुखी नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, चाहे उसने लैला को एक सुंदर सा पत्थर गिफ्ट किया हो तो भी, और मेरा दिया हुआ सुंदर पत्थर फेंक दिया तो भी। मैं बिल्कुल नहीं, उसने शुरू किया था। मुझे इस तरह मत देखो, मैं जानती हूँ वो सिर्फ मेरी चिंता कर रही थी, पर मैं उस वक्त डैड से बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो मेरे लिए जरूरी था, तो मैं क्यों समझाऊं उसे। मैंने कोशिश की, पर शायद मैं इस पूरे बेस्ट फ्रेंड वाले सिस्टम के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। मेरी कहा करती थी, दोस्ती पक्की रखनी है तो यूनिकॉर्न का ख्याल रखो। कम ऑन, तुम बहुत क्यूट लगोगी। समझ गया, तुम नेचुरल ही रहना चाहती हो। सुंदर चोटी बनाई एवा, तुमने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी। थैंक्स, सोफिया ने पिछले हफ्ते मुझे ऐसी चोटी बनाना सिखाया था और तब से मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक्चुअली शायद मुझे ये इतनी पसंद नहीं आई। बहुत से ऑप्शंस है, तुम चाहो तो कोई और डिजाइन ले लो। रिफ सिटी को खुद फ्रेंच स्टाइल की चोटी पसंद है। कोई बात नहीं लीफ, मुझे और डिजाइन आते हैं जो इससे ज्यादा अच्छे हैं। हाँ ठीक है, मुझे फिर से निकाला जाना चाहिए क्योंकि मुझसे ये टेंशन बिल्कुल झेली नहीं जा रही। मजाक था छोटा सा, टेंशन के बारे में नहीं, वो तो सच में बहुत बुरी है। मिस रोजमेरी, क्या आप मुझे सिखाएंगी कि ऐसी मुश्किल से कैसे निकलते हैं? क्या लीला, जाओ उनसे बात करो। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लड़ाई खत्म करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है ठीक है। हे, क्या तुम्हारा स्पार्कल स्प्रे ले सकती हूँ? मेरे पास है।
मेरी अपनी रेसिपी है, सादा चमकदार है। वो मुझसे पूछ रही थी, हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। पता नहीं था दोस्त की हेल्प करना टांग अड़ाना होता है। हाँ, क्या हो गया ग्लेशियर? मैं जरा जाकर देखती हूँ, ग्लेशियर को मेरी जरूरत है। मैंने कहा था मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरी बारी। अच्छा, बहुत हो गया, चलो गले लगो और ये किस्सा भी खत्म करो। तुम्हें अच्छा लगता है ना गले लगना? मेरी तरफ मत देखो, ये तो फिर भी ठीक है, वरना हर वक्त बेस्ट फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड। वाह, यक। तो क्या हम ग्रूमिंग क्लास पर ध्यान दें? ये एक्सरसाइज काफी रिलैक्सिंग होंगी तुम्हारी और तुम्हारी यूनिकॉर्न्स के लिए। एवा के लिए बुरा लग रहा है, वो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। क्या एवा? और सोफिया जो अपने डैड के भूत से बात नहीं कर पाई? भूत? मुझे तो लगा वो सिर्फ उसके दिमाग की सोच थी। तुम भूतों को मानती हो? तुम नहीं मानते। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ये उनकी बात है। अगर वो एक दूसरे से नफरत करते हैं तो तुम्हें क्या? शायद तुम्हारा दिल पत्थर का होगा वैलेंटीना, पर हम लोगों के मन में एवा के लिए थोड़ी सी सिंपैथी का एहसास है। तुम्हारा मतलब सोफिया? तुम भी लैला? क्या मैं अकेला ही हूँ जिसे एवा के लिए बुरा लग रहा है? बात यह है कि सोफिया को लगता है कि वो सच में अपने डैड से बात कर रही थी, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, पर इम्पोर्टेंट ये है कि उसे लगता है। हाँ, इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है रॉरी। क्लास फोकस, इन यूनिकॉर्न्स की ग्रूमिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है राइडर्स, क्लास डिसमिस। कोई मेरे साथ फूल चुनने चलेगा ताकि हम स्पार्कल स्प्रे बनाएं? मुझे एक नई रेसिपी ट्राई करने का बहुत ज्यादा मन है। हिंट दूं, पर्पल कलर है। मैं चलना चाहूंगी, लेकिन हमने सोफिया को पहले ही कह दिया है कि हम राइडिंग करने चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ फूल चुनने चल सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, राइडिंग करने का आइडिया भी बहुत अच्छा है, हम दोनों भी चल सकते हैं। प्रॉमिस करती हूँ तुम किसी मुसीबत में पड़ गई तो मदद नहीं करूँगी, सोचूंगी कि तुम किसी सीक्रेट मिशन पर हो। एवा, मुझे अकेला छोड़ दो। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। शायद तुम्हें जानकर अच्छा लगे कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस दूर से तमाशा देखना चाहती हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम। देखो तुम इसे पर्सनल मत लो, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। कल रात जब हमने किचन पर हमला किया तो सोफिया तुमसे नाराज कम बल्कि अपने डैड के लिए ज्यादा दुखी थी। वाह, मैंने उसे अपने डैड के लिए दुखी किया और अब वो मेरे बिना किचन पर हमला बोलने चली गई। ओके, तो राइडिंग ठीक है, वो फिर वही करते हैं, बाद में मिलता हूँ, बाय। थैंक्स लीफ, सब ठीक हो जाएगा। अगर सोफिया अकेली रहना चाहती है तो हम उसे रहने देंगे। उसे अकेला रहने देते हैं। तुम लकी हो कि तुम्हारा डॉम बोरिंग है, शुरू में तो मजा आया था पर अब मैं सोफिया और एवा से बहुत पक चुकी हूँ। हाय गर्ल्स, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैंने कुछ दिन पहले दिल के शेप की बहुत प्यारी पत्तियाँ देखी थी और मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं किसी... मुझे मत बताओ तुम यहाँ क्यों हो। मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, इसलिए दूसरी रूममेट को मिलने आ गई। मैं सिर्फ उस डॉम में रहती हूँ, मेरे और तुम्हारे कमरे के बीच में एक दीवार है। हाँ ठीक है, एक डॉम ही तो है। जसिंटा, डेलिया, तुम रूबी डॉम में हो ना, वहाँ क्या होता है? क्या वहाँ कोई किस्सा है जो मुझे बता सकती हो? नहीं, पर वहाँ हमारे पास क्यूट पिलो जरूर हैं। वो कितने प्यारे होंगे। तुम हमेशा की तरह सोफिया और अपने स्पार्कल गैंग के साथ क्यों नहीं बैठ रही हो? मेरे ख्याल से तुम्हारा वहाँ बहुत मन लगेगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। अजीब है ना कि हम एक ही डॉम में रहकर एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं, क्योंकि बीच में दीवार है। देखो, तुम और सोफिया जल्दी से जल्दी अपने बीच का ये तमाशा खत्म करो और हमें इस रोज की ड्रामे में घसीटना बंद करो। ड्रामा? नहीं, ये तो सिर्फ दो दोस्तों के बीच छोटी सी गलतफहमी है, वो मुझे माफ कर देगी। उसे थोड़ा टाइम, थोड़ी स्पेस और मेरे बिना थोड़े एडवेंचर की जरूरत है, और देखा जाए तो अच्छा ही है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता सकती हूँ। तो
क्या नाम होना चाहिए हमारे ग्रुप का? मैं तुम्हारी बातें सुनना तो नहीं चाहता था, पर मैंने सुन ली। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक तेज दिमाग वाले प्लानर की जरूरत है जो सोफिया और एवा को मिला दे, ताकि वो एवा तुम्हारे सिर से हट जाए। मैं वो इंसान मैं हूँ जो ये काम कर सकता है। अगर ये उस फूलों की दुकान को मेरे पीछे आने से रोक सकता है तो मंजूर है। बड़ी अजीब बात है ना, मुझे अच्छी तरह याद है किसी ने कुछ टाइम पहले कहा था। क्या था वो? ओह, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो जिंदगी भर एक दूसरे से नफरत करें। मजाक कर रहा हूँ। तो चलो फिर ऑपरेशन बेस्ट फ्रेंड्स दोबारा शुरू करें। हम उसे ये नहीं बुलाने वाले। हम इसे यही बुलाएंगे। ये कहीं फंसा हुआ है। जी प्लान काम करना चाहिए। बिल्कुल करेगा। ये मेरा पेटेंट किया हुआ बहुत पुराना प्लान है और कभी फेल नहीं हुआ। वैसे तुम फेल होना किसे कहती हो वो अलग है। ओ, वो आ गए। डिजर्ट पिकनिक? बाकी सब लोग कहाँ हैं? इसमें तो लिखा है कोई इमरजेंसी मीटिंग है। लगता है हम सबसे पहले पहुँच गए हैं। तुम मेरे साथ इंतजार करोगी? यहाँ कितने सारे स्नैक्स हैं। मैं समझ गई ये क्या है। चलो वाइल्ड स्टार, मेरे पास इस नकली पिकनिक के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों के साथ इतने प्यारे और टेस्टी चीजें कौन खाता है? उसे और वक्त चाहिए। कोई बात नहीं, मैं वैलेंटीना से मिलती हूँ। हो सकता है उसे डिजर्ट्स पसंद हो। उसे पूछते हैं। तुम्हारा ये प्लान तो उल्टा मुझ पर भारी पड़ गया। कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और प्लान काम कर जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आई वैलेंटीना। मुझे पता था तुम मान जाओगी। हाँ सही कहा, मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे इसकी जरूरत थी। सोफिया बचाओ, कोई बचाओ। ओ नहीं, क्या ये रॉरी है? लगता है वो किसी मुसीबत में है। मैं आ रही हूँ रॉरी। रॉरी तुम ठीक तो हो? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लगता है तुम दोनों को मिलकर ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। तुम हिलना मत, मैं तुम्हें एक मिनट। लीफ इन डालियों को बिना कांटो को छुए हटा देगी। तो तुम्हें लगता है तुम्हारी मदद के बिना मैं एक डाल भी नहीं हटा सकती? क्या नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे रास्ते आ रही थी फिर से। हाँ बिल्कुल, सोफिया को तो हर काम खुद अकेले करने की आदत है। उसे हेल्प नहीं चाहिए। जिस मदद से नुकसान और ज्यादा हो उसकी क्या जरूरत है? ठीक है, सब कुछ खुद कर लो। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। थैंक यू। तुम्हारे दिमाग में आया हुआ कोई भी आइडिया कभी भी सही तरह से पूरा होता है? हाँ, कभी कभी हो जाता है, पर कोशिश करते रहने से ही कामयाबी मिलती है ना? हाँ कहते तो यही है। तो अच्छा है कि मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं। अब वक्त है प्लान जी का। नहीं 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 नहीं, बहुत हो गए प्लान्स। सोफिया और एवा की लड़ाई खत्म करनी होगी अभी। शायद उन्हें वाकई टाइम चाहिए। पर मेरे पास टाइम नहीं है। एवा ने मुझे आज रात हेयर स्टाइल्स की पार्टी में बुलाया है। मुझे उसकी फ्रेंड की जगह पर नहीं रहना। तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूँगी। वाओ, ये वाले पत्थर तो पानी के नीचे भी चमकते हैं। इस आइलैंड पर कितने कमाल के पत्थर हैं जिन पर डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। हमें जाकर थोड़े और पत्थर ढूंढने चाहिए, है ना? ऐसा लगता है एवा को समझ ही नहीं आया उसने क्या किया है। एक पल डैड वहाँ थे और फिर अचानक गायब। उसे समझ नहीं आता वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। हो भी सकता है। ये क्या था? कोई बात नहीं, लीव चलते हैं। अजीब सी टेंशन बनी रहे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे दृश्य को खराब कर दिया, पर समझ नहीं आता मैं क्या कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? वो सिर्फ एक दृश्य नहीं था मेरे लिए,
तुम चाहे मानो या ना मानो, वो सच में मेरे डैड थे और वो मुझे इतने सालों बाद दिखे थे और शायद इसके बाद कभी मिले भी नहीं। मुझे नहीं लगता अभी बात करने के लिए कुछ है। कोई बात कैसे नहीं होगी, अगर हम बात कर लेंगे तो जरूर सब कुछ भूल पाएंगे। ये भूल पाएंगे? अच्छा, तो मैं ये भूल जाऊँ कि मैं अपने डैड को कभी नहीं देख पाऊंगी? ठीक है, जानते हो इसमें सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है। अगर तुम फिर से अकेले भाग जाने की जगह मुझे बता कर जाती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। अगर गुस्सा रहना चाहती हो तो ठीक है, पर तुम भी एक अच्छी दोस्त नहीं हो। अब तुम रो क्यों रही हो? मेरी बॉडी को ऐसे ही गुस्सा दिखाना आता है। तुम इधर उधर गायब हो जाती हो, अपने वादे तोड़ देती हो, खुद को खतरे में डालती रहती हो और एक बार भी नहीं सोचती कि इसका असर मुझ पर क्या होता होगा। मुझे कितना डर लगता है कि तुम वहाँ अकेली हो, अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए ताकि तुम्हें रोकने की जगह मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँ। और मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे माफ़ी मांगने का। तुम्हें लगता है मैं माफ़ी मांगूंगी? हाँ, अब तुम्हारी बारी है। गाइस ये देखो क्या है। ये वही पत्थर है ना जो टेंपल में था, तुम्हारे ब्रेसलेट वाला? हाँ, मुझे पता था। देखो, इसका नाम है ग्रिमस्टोन। ये खास पत्थर है जो ग्रिम मैजिक को अपनी तरफ खींचकर सोख सकता है। जल्दी से ब्रेसलेट्स दो, अगर दोनों टुकड़े वापस जोड़ दें तो हो सकता है कि वो सारा ग्रिम मैजिक एक साथ सोख ले। दरअसल इस वक्त वो ब्रेसलेट्स तो हमारे पास नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? जब भी फुर्सत मिल जाए तो खुद को सीधा कर लेना। जल्दी अंदर जाओ और नजर रखो। कुछ ज्यादा ही क्यूट है। मिल गया। ये तो बहुत आसान था। एवा, अगर तुम्हें लगता है मैं आज तुम्हारी पिजामा पार्टी में आऊंगी तो तुम गलत फहमी में हो। मैं बाद में आती हूँ। प्रिंसेस, यहाँ कोई है? इज़ाबेल, मैं ये नहीं कह रहा कि एवा पूरी तरह सही है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? मुझे लगता है हमें ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए। ओए मुझे बचाओ! अरे ये तो वैलेंटीना है, लगता है वो किसी मुसीबत में है। हेलो, क्या कोई मेरी मदद करेगा? वैलेंटीना, हमने पहले भी नकली खतरे का नाटक किया था और वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया था, याद है ना? मतलब तुमने इस्तेमाल किए हुए प्रॉप्स काफी अच्छे हैं, पर तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती है। तुम गधे हो! वो दोनों रविंजेला के चमचे थे, उन्होंने तुम्हारे वो चीप से फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स उठा लिए और अब भाग रहे हैं। छोड़कर बहुत अच्छा किया। हाँ, तुमने हमारा काम और आसान कर दिया। जाओ, मैं वैलेंटीना को खोल दूंगी। उन्हें लेकर भागने मत देना। थोड़ा आराम से। ये जाकर उन्हें कहो। धीरे चलो, हम सब एक ही जगह जा रहे हैं, ये कोई रेस नहीं है। ओके, वो रहे दोनों। हम कभी उन घोड़ों से तेज नहीं चल पाएंगे। ऐश, उन्हें उलझाए रखो। ठीक है। लिए
सभी लोग तो वाकई गिर गए। तुमने सच में उन सबको रोक दिया? नहीं, उन्होंने तो खुद ही अपने आप को रोक दिया। कोई प्लान बनाना चाहिए। प्लान तो उन्हें पकड़ने का है, तो मेरे रास्ते में आना बंद करो। तुम्हें तो हमेशा सब कुछ पता होता है, वो देखो। जल्दी चलो। तो हम फिर से मिल गए, यूनिकॉर्न राइडर्स।